दहीपड़े एंड मेट्रो फिनिक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हृदय वरील सर्व शस्त्रक्रिया येथे मोफत होणार आहे। मोफत एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी शिबिर। वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेता रुग्णालय प्रशासनाचा शिबिराचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय। शिबिर आता 31 ऑगस्ट पर्यंत। मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए बॉम्बे में इन लोगों हमारे जो शिया कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट से उनको इंस्ट्रक्शन मिले कि भाई आप 100 आदमी ले आ सकते। वो जो पूरे कोरोना के जितने भी गाइडेंस के साथ में करो बोल के बोले और गाड़ी के अंदर ले आओ बोले, पैदल नहीं बोले। औरंगाबाद में भी हमने डीसीपी साहब श्री खाटमल साहब से और पीआई साहब और सराफ साहब एसीपी सराफ साहब से बात की। उन्होंने कहा कि भाई औरंगाबाद में हालात वैसे नहीं है तो इसलिए आप हम आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट करते, आपको परमिशन नहीं दिया जाता। अब आप इस वक्त ऐसा है कि हालात ऐसे है कि हमारे को भी सबको पुलिस का साथ देना है और हाईकोर्ट का जो आदेश है तो हाईकोर्ट का आदेश ऐसा है कि 100 आदमी जाना, उसके अंदर बॉम्बे शहर की सिटी में उन्होंने जो 100 आदमी को दिए, जबकि औरंगाबाद में तो उन्होंने देना चाहिए लेकिन नहीं दिए उन्होंने किसी वजह से। सीपी साहब के कड़क आदेश है कि हम किसी को भी देना नहीं, बल्कि उन्होंने हमको रिजेक्ट लेटर दे दिए है कि आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई। अब इंशाल्लाह देखेंगे, अल्लाह की मर्ज़ी है। ये तो कोई उन्होंने जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं, हालात वैसे है इसलिए उन्होंने कर रहे हैं। और हमारे को भी पुलिस का साथ देना चाहिए, पब्लिक का साथ देना चाहिए। बीमारी जो है बुरी बीमारी आई हुई है ये, इसके तो निजात होना, इसलिए हमारे को भी भाई जान किसी की जान है वो हमारे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी वजह से ऐसा ना हो जाए कि जैसा इसके पहले मौलाना साथ के हो गया था, तो ऐसा हमारे ऊपर इल्ज़ाम ब्लेम नहीं होना, बल्कि हमने ये तय करे कि भाई हम जुलूस नहीं निकालेंगे इंशाल्लाह। पिछले साल देखा गया था कि मातम नहीं मनाया गया, मतलब निकला नहीं था अशरू खाने से, वैसा इस साल भी ऐसी होने वाला है इस कुछ लोगों की? नहीं नहीं नहीं, हम इस साल भी यही करेंगे, मातम नहीं निकालेंगे। जो भी अपने अपने घरों में जो भी ताज़ी जिंदगी घर पर है बैठे वेला मतलब वो घर की घर में सहरा देंगे उनको, वहीं उनको ख़त्म कर देंगे। किसी किस्म का कोई रोड के ऊपर मातम नहीं होगा जो हर साल होता था। अभी हालात के हिसाब से हमारे को समझौता करना है, वरना आज वैसा साहब से हमारी काफ़ी एक घंटे से गुफ्तगू हुई, उन्होंने ये बताया कि भाई नहीं दे सकते हम। सीपी साहब से भी उनकी बात हुई, सीपी साहब ने बोले कि नहीं नहीं दे सकते, वरना आप देने को कुछ भी नहीं दे तो उन्होंने दे भी सकते थे लेकिन नहीं दिए। हमने भी बोले कि भाई आज सब पॉलिटिकल लोगों ने करे तो उन पर गुनाह दाखिल करें बोल के बोले। आप अध्यक्ष हैं तो क्या मैसेज देंगे आप? मैं ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी लोग हैं जो ताज़िए बिठाते, जो आलम बिठाते, जो सवारियाँ बिठाते, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो घर की घर में ही करें, किसी किस्म का कोई रोड पे ना आए। मेरी अपील है कि भाई अपना कानून का साथ दे। अभी हालात ऐसे है कि भाई अपने को बीमारों का ख्याल करना है, ये तो है। अल्लाह ने या मौला ने या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये नहीं बोले कि भाई तुम जो है तो बीमारी भी है तो निकल जाओ, ऐसा नहीं बोले हुए। जैसा हालात से समझौता करना पड़ता और हम कर रहे हैं। आने वाले साल के लिए तो इंशाल्लाह हर साल की तरह आऊँगा, अल्लाह चाहे तो अल्लाह ये दुनिया से बीमारी ख़त्म कर दे ताकि हम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी सके, हर अपना प्रोग्राम हो सके। आगे गणपति भी है, गणपति को मेरे ख्याल से उनको परमिशन नहीं देंगे शायद। अभी तो उन्होंने बोले कि हम किसी को वो नहीं कर रहे, बोले दे रहे नहीं परमिशन। अब मतलब ये साल स्पष्ट ये कह सकते हम कि इस बार भी जो है तो जुलूस नहीं निकले, नहीं होगा मातम, घर के घर में जो भी करने का घर के घर में कर लोगे। आपका नाम? मेरा नाम सैयद एजाज अली जैदी, मैं ऑल इंडिया शिया परसला बोर्ड का मेंबर हूं और औरंगाबाद अंजुमन का सदर हूं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter इन सभी पर